हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ये वेजिंग लुक यूजिंग ऑल ब्लू हेवन प्रोडक्ट्स। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना। मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है मॉइस्चराइजर के साथ, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं ब्लू हेवन का ये लगाने वाली हूँ। ये है ब्लू हेवन हाइपर मैट फाउंडेशन विथ SPF 25 PA++। इस ब्लू हेवन फाउंडेशन की आउटर पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सारे शेड जो अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे मेरा जो शेड है वो है कैरेमल डस्की प्लस येलो। MRP इसकी 200 रुपीज़ है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। बाकी फाउंडेशन की आउटर पैकेजिंग पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बट इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जैसे कि व्हाट इज स्किन अंडरटोन, की स्किन अंडरटोन होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अंडरस्टैंड योर अंडरटोन, कि आप कैसे अपनी स्किन की अंडरटोन पहचाने। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, स्किन की अंडरटोन 3 टाइप्स की होती हैं: वार्म, कूल, न्यूट्रल अंडरटोन। मेरी वार्म अंडरटोन है, बिल्डेबल कवरेज है इसकी, नॉन क्लॉगिंग है, लाइट वेट फाउंडेशन है, बहुत अफोर्डेबल फाउंडेशन है। 200 रुपीज़ में आपको SPF 25 PA++ के साथ मिलता है। 30 ml इसकी क्वांटिटी है। सो ओवरऑल जो आउटर पैकेजिंग से मैं देख सकती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अब इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ये फेस पे। इसमें टोटल आपको 7 शेड्स मिलते हैं। मेरा शेड सबसे डार्केस्ट है कैरेमल डस्की प्लस येलो। ये फाउंडेशन आपको ग्लास बॉटल में पंप के साथ मिलता है। मैं अपने राइट साइड लगा रही हूँ ब्रश से। ये फाउंडेशन आपको थोड़ा सा जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसका नेम है हाइपर मैट, ये जल्दी ड्राई हो जाता है। आपको एक साइड पे आप फाउंडेशन लगाएं, फिर उसे ब्लेंड करें, उसके बाद आप दूसरे साइड पर आएं। इसकी मीडियम कवरेज है, बिल्डेबल फाउंडेशन है, आप हाई कवरेज तक इसे बिल्ड कर सकते हैं। मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन इसने मेरे फेस को बिल्कुल भी अभी तक तो ड्राई नहीं किया है। बिल्डेबल फाउंडेशन है ये, आप मीडियम कवरेज से इसे हाई कवरेज तक बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इस साइड ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अप्लाई करूँगी। ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल होते हैं। आप मेकअप बिगनर हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। उनके काफ़ी सारे वैरायटी आपको मिल जाती है मेकअप प्रोडक्ट्स में, जैसे कि लिपस्टिक है, आई शेडो है, फाउंडेशन है, लाइनर, एवरी टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं ब्लू हेवन ब्रांड में। जो इस साइड का मेरा फेस है, जो मैंने ब्रश से अप्लाई किया फाउंडेशन, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे कवरेज ज़्यादा मिली है। इस साइड का थोड़ा सा शीयर टू मीडियम कवरेज के बीच की कवरेज मिली है। मैं इस साइड पे भी ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि कवरेज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है मुझे। मेरे फोरहेड पे पिगमेंटेशन थी, आप देख सकते हैं कि इसने मेरी पिगमेंटेशन को भी हाइड कर दिया है। थोड़ा सा मैं अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी। आपको अपने नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ईयर्स को भी। कई बार हम जल्दी बस अपने फेस पे लगा लेते हैं, और अभी तो मेरे शोल्डर्स भी दिख रहे हैं, सो मैं थोड़ा सा अपने शोल्डर पे भी लगा लूँगी। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैंने ईयर पे भी अप्लाई कर दी है। इसके बाद मैं ब्लू हेवन का ही कंसीलर लगाऊंगी, SD ऑल इन वन मेकअप स्टिक सिल्क मैट फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर एंड कलर करेक्ट। प्रोडक्ट में आपको इतने सारे टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इससे आप एज अ फाउंडेशन, एज अ कंसीलर, एज अ कॉन्टोर, एज अ कलर करेक्ट, 4 टाइप में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके टोटल आते हैं 6 शेड्स। इस पे मेंशन है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। 150 इसकी MRP है, कि आउटर पैकेजिंग है। मेरा जो शेड है वो है हनी मीडियम। वाओ, सो स्लीक ब्लैक पैकेजिंग। इतना सारा प्रोडक्ट आपको मिलता है जस्ट 150 रुपीज में। यही चीज ब्लू हेवन ब्रांड की बहुत अच्छी है, कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो क्रीमी अपनी अंडर आई पे, ब्रिज ऑफ द नोज, नोज के कॉर्नर्स। इसकी कवरेज भी काफी अच्छी लग रही है। इसे मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसे स्टिक को आप यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस में या फिर ट्रैवलिंग के टाइम पे, क्योंकि काफी हैंडी होती हैं ऐसी स्टिक्स। नेक्स्ट मैं अपने फेस बेस को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर मैट फिनिश। स्पेशल शाइन कंट्रोल फॉर्मुलेशन है, इसमें भी SPF 25
PA++++, इसमें 3+ है, फाउंडेशन में PA++ थे। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, ब्लैक कलर की स्लिक पैकेजिंग है, बाहर से ही दिख रही है। एंड इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। स्पॉन्ज मिलता है विद गुड क्वालिटी मिरर, इसके दो ही शेड्स हैं। मेरा जो शेड है वो है हनी मीडियम, इसके MRP है जस्ट 165 रुपीज। की पैकेजिंग आप देखिए कितने हाई एंड ब्रांड की तरह है। ये येलो टोन कॉम्पैक्ट है और मेरी जो अंडरटोन है वो येलो है, सो मुझे ऐसे जो कॉम्पैक्ट होते हैं काफ़ी पसंद आते हैं। अंडर आइज जनरली थोड़ी सी ड्राई होती हैं, ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग टाइप का कॉम्पैक्ट है ये, बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रहा है मेरे फेस को। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, ब्लू हेवन ब्राउ परफेक्ट आईब्रो एनहेंसर पेंसिल प्लस कॉम, एश ग्रे शेड है। इसमें टोटल 2 शेड्स आते हैं, 12 आवर स्टे है इसका, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। एक साइड आपको ये ब्राउ एनहेंसर मिलता है, दूसरी साइड आपको मिलती है ये स्पूली कॉम करने के लिए। मैं अपनी आईब्रोज को ऐसे ऊपर करके फिल नहीं करती, ऐसे ही नॉर्मल अपने फेस को रखती हूँ। उसके बाद मैं मिड से स्टार्ट करती हूँ, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रोक्स। देन मैं एंड पे जाती हूँ, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, मैं अपवर्ड स्ट्रोक्स में आईब्रो को फिल कर रही हूँ बहुत लाइट हैंड से। हमें नेचुरली ही आईब्रोज फिल करनी है। आईब्रोज अगर आप अच्छे से ना फिल करें या फिर आप डार्क ब्लैक यूज़ करें तो बहुत ही अजीब लुक आता है। आईब्रो आप फिल भी ना करें तब भी थोड़ा सा अजीब लुक लगता है, मतलब कुछ खाली खाली लगता है फेस पे, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम मास्क पहनने लग गए हैं, मेन फोकस हमारी आईज पे ही रहता है, इसीलिए मुझे अब ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपनी आईब्रोज पे ज़्यादा ध्यान दूँ, अपनी आईज पे ज़्यादा ध्यान दूँ, कलर्ड लाइनर लगाऊँ। मैंने ऐसे पकड़ा है स्ट्रेट और ऊपर, आईब्रोज फिल हो गई हैं। उसके बाद ब्रश कर रही हूँ मैं इस स्पूली से, स्टार्टिंग में जैसे फिल की थी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे कॉम्ब भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। उसके बाद पीछे की तरफ जैसे आपके नेचुरली हेयर हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्लू हेवन का ही काजल है, इंटेंस काजल प्लस लाइनर डियो जेट ब्लैक, इस पे इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लाइट वेट है, 1 स्ट्रोक फिनिश देता है ये, 12 आवर स्टे है, ये सब इतना सब ये क्लेम कर रहे हैं। इस काजल की MRP है 225 रुपीज। दिस इज द पैकेजिंग, ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, ऊपर आपको मिलता है काजल, नीचे मिलता है लाइनर। आई मेकअप के लिए मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, ये आईब्रो पेंसिल है जो ब्राउन में है, देन ये मेरे पास ब्लैक काजल है, इसी से मैं अपना आई मेकअप करूँगी। ये आईब्रो पेंसिल ग्रे में है, इसे मैं अपने लैशेस के क्लोज क्लोज लगा रही हूँ, थोड़ा सा ब्राउन लुक दे रहा है ये। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करके बार बार लगाना पड़ेगा। आईब्रो के लिए अच्छा है क्योंकि एक साथ ऐसे कलर दिखेगा तो आईब्रोज बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेंगी। ये आउटर कॉर्नर पे लगा के मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है काजल के साथ, इस साइड भी सेम। ब्लू हेवन एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा डिफाइंड लॉन्ग लैशेज, इससे मैं अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को कोट करूंगी। ये मस्कारा 150 रुपीज का है। इसमें जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं इस वीडियो में, इनकी ज़्यादातर पैकेजिंग आप देख ही सकते हैं, आउटर भी इनर भी ब्लैक ही है, बहुत स्लीक लगती है ब्लैक पैकेजिंग। और जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कलर वाइट होता है इनर पैकेजिंग, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, उन्हें बहुत टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। वाओ, चलिए इस मस्कारा से मैं अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को कोट करती हूँ, ऐसा इसका ये वॉन्ड है। एक्सेस प्रोडक्ट आपको हटा देना है, इस पे लिखा है ब्लू हेवन एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा, लेंथनिंग मस्कारा है ये। मस्कारा अप्लाई करने के लिए जो मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ वो ये है कि मैं पहले अपर लैशेस को ऊपर से करती हूँ कोट, फिर उसके बाद ऐसे ज़िगज़ैग मोशन में। लेंथनिंग मस्कारा इसका नाम है, लेकिन इसने मेरे लैशेस को लेंथ देने के साथ साथ इसने कर्ल भी कर दिया है, अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पर आते हैं, ये है मेरे पास ब्लू हेवन की इंटेंस मैट लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक है ये, इसका प्राइस है 100 रुपीज़।
आपको इसमें 12 शेड्स मिल जाते हैं। इसकी भी आउटर पैकेजिंग ब्लैक है, फ्यूशिया पिंक कलर लिपस्टिक है ये। मेकअप बिगनर के लिए ये एक टिप है, जैसे लाइनर को अप्लाई करते हैं अपने लिप के कॉर्नर्स पे, को लिपस्टिक के टिप से आप अपने लिप को आउटलाइन कर सकते हैं लाइक दिस, सेम वे में नीचे। इस लाइनर को मैं अपने लैशेस के क्लोज लगा रही हूँ। लैशेस के क्लोज ये मैंने अभी लाइनर लगाया है, उसके ऊपर आप देखेंगे ब्लैक काजल है, उसके ऊपर है ग्रे आईब्रो पेंसिल। अच्छा है कि ग्रेडिएशन बन गया है। इस फेशियल लिपस्टिक से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। आप बुलेट लिपस्टिक को जब भी एज अ ब्लश लगाएं तो अपने फिंगर से ही ब्लेंड करें, क्योंकि आपकी फिंगर की जो वार्म्थ होती है से इजिली ब्लेंड हो जाता है। सो मेरा ये वेडिंग मेकअप लुक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप मेरा ये लुक आपको पसंद आया है। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे। खुश रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय।